हरिओम। आज 11 मई दिन मंगलवार, प्रतिदिन की भांति आज भी आज का पंचांग और आज का दिन कैसा रहेगा उसकी चर्चा करेंगे हम आपसे। लेकिन उसके पूर्व आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, बहुत आशीर्वाद। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि मेरी सारे वीडियोस राशिफल की जानकारी हो, व्रत त्योहार की जानकारी हो, इसके अतिरिक्त और भी कई वीडियो आपको मिलते रहेंगे निर्बाध रूप से। प्रियजनों को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, आप भी पुण्य के भागी बने। आइए चर्चा करते हैं पहले आज के पंचांग का। तो आज के पंचांग के लिए बताऊं, हिंदी तिथि के हिसाब से विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है, क्योंकि रात्रि 11:26 तक रहेगा, तदुपरांत प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। भरणी नक्षत्र है, रात के 10:54 उपरांत कृतिका नक्षत्र लग जानी है। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:19 से 12:12 तक। बता दूं, अभिजीत मुहूर्त के मध्य किया गया किसी भी कार्य का प्रारंभ या यात्रा का प्रारंभ ये चीर काल तक मधुर फल, सकारात्मक फल देने वाला होता है। जबकि राहु काल 3:45, यानी 1.5 घंटे का कालखंड राहु काल है, इस बीच में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या यात्रा का प्रारंभ नहीं करते हैं। अति आवश्यक हो तो किसी योग्य विद्वान से मिलकर उनसे आशीर्वाद, दिशा निर्देश लेकर कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो। आइए चर्चा करें 12 राशि की, आज का दिन कैसा रहेगा। प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। मन में जोश और होश दोनों का समावेश रहेगा। मेष राशि वाले जैसे ही आप थोड़ा तेज तरार होते ही हैं, तो आज के दिन जोश भी रहेगा, हाँ साथ साथ होश भी रहेगा, और दोनों को समायोजित करके संतुलन बनाकर ही चलना उचित होता है। वृष राशि वालों को विदेश से लाभ होना है, या तो आप विदेश में रहते हो, आपके कोई व्यवसाय विदेश से संबंध रखता हो, उसके माध्यम से लाभ होने की आशा दिखाई पड़ते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। कुछ कार्य कुछ अड़चनों के कारण से रुका हुआ था, जो वो संपन्न होने के योग बन रहे हैं। जबकि कर्क राशि वालों को पिता के द्वारा लाभ होने का योग मिल रहा है। पिता से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें, ये प्रसाद भी मिलने वाला है आपको। और सिंह राशि वालों को पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्यवर्धन होगा। पुरुषार्थ से भाग्यवर्धन होता है, कभी कभी चाहकर भी प्रयत्न के उपरांत भी नहीं होता, अभी होने वाला है। तो अपना कर्म करते चले, पुरुषार्थ करते चले, फल भगवान पर छोड़ दें, भाग्यवर्धन निश्चित होगा। कन्या राशि वालों के लिए बताई जा सकती है कि पैतृक संपत्ति के लाभ होने वाले हैं, या तो पहले से काम चल रहा था उस पर होगा, या नए ढंग से हो पैतृक संपत्ति के लाभ। और तुला राशि वालों के लिए प्रेम प्रणय के क्षेत्र में भी लाभ हो रहा है। तुला राशि के जातकों को बता दूं कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध सुदृढ़ होंगे। जबकि वृश्चिक राशि वाले को व्याधि से मुक्ति मिलेगी, किसी प्रकार की परेशानी, व्याधि, किसी रोग के कारण परेशान थे, उस व्याधि से आपको मुक्ति मिली है। धनु राशि वालों को भी बताना चाहिए कि मनोयोग से कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आपके मन की ताकत, मनोबल और मनोयोग के साथ किसी कार्य को संपादित किया जाए वो सिद्ध होगा। मकर राशि वाले आपको बता दूं, मकान जमीन से संबंधित लाभ होने वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। और कुंभ राशि की भी चर्चा कर ली जाए तो भाइयों के सहयोग से सफलता मिलेगी। भाइयों का सहयोग ले, कोई योजना बन रही है, कोई कार्य करने की योजना बन रही है, तो उसमें भाइयों के साथ मिलजुल कर थोड़े दिन से कुछ योजना बनाए, कुछ विचार विमर्श मंत्रणा करें, उनसे सहयोग लें, निश्चित कार्य में सफलता मिलेगी। और अंतिम राशि मीन राशि, धन संचय के अच्छे योग है। पैसे आते हैं चले जाते हैं, लक्ष्मी तो चंचला है, पर धन संचय करने का योग आप देखेंगे नहीं हो पाता है चाह कर भी। आज थोड़ा प्रयत्न करें और कुछ संचय भविष्य के नाम पर कर लेनी चाहिए। विदा लेने से पूर्व पुनः स्मरण करा दूं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रियजनों को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें।
मुलाकात होती रहेगी, कल पुनः अन्य किसी वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।